बेटा वीडियो वाला आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद हुसैन, खालिद सब्जी वाला, एक बार फिर से कराची सब्जी मंडी डेली अपडेट के साथ हाजिर है भाई। बहुत दिनों के बाद आज आया हूँ मैं कराची सब्जी मंडी में। थोड़ी तबीयत वबीयत सही नहीं चल रही थी। 5 मार्च 2024, अभी 8:10 हो चुके हैं सुबह के, और मंगल का दिन है भाई। कराची सब्जी मंडी की डेली अपडेट के साथ हाजिर हो चुका हूँ मैं। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं कराची सब्जी मंडी में और कौन सी चीज़ें महंगी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और चल के देखते हैं, मटर भी है भाई के पास, बंद गोभी भी है, फूल गोभी भी है, हर चीज़ में आपको रेट तकरीबन मुकम्मल बताऊँगा, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना आप लोगों ने। चैनल भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा वाला चैनल भी है मेरा, खाली सब्जी वाले के नाम से भाई, दूसरा चैनल, सेकंड चैनल, उसको भी आप लोग अब सपोर्ट करें। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक, मजे में। दूसरा चैनल भी है खाली सब्जी वाले के नाम से, ठीक है, उसको भी सपोर्ट करें। और कमेंट बॉक्स में जो है ना, उसका मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपने जाके उसको सब्सक्राइब करना है। उस पर मैं ये वीडियो डालता हूँ भी क्या क्या चीज़ें मैं किस रेट पर लाया और कौन सी रेट पर मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा चैनल सेकंड, चलते हैं वीडियो का आगाज़ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, और चलते हैं वीडियो की तरफ। धनिया पुदीना तो काफ़ी सस्ता है अभी, धनिया पुदीना, पालक वगैरह, मूली, सामने मैंने रेट पता किए हैं, और दोबारा मैं आपको चल के आपके सामने भी मैं रेट बताऊँगा, ठीक है। खीरा क्या दाम दे रहा, खीरा? हाँ मारू को तो बता, मारू 50 से 40 का तौल देते हैं, 50 का 40 का तौल, 40 रुपये किलो। और खीरा, खीरा 50 रुपए किलो जनाब, खीरा हो गया 50 रुपए किलो कराची सब्जी मंडी में। मारू कद्दू 40 रुपए किलो बताया भाई ने। और गाजर कैसे दे रहे हैं? गाजर भी 50 रुपए किलो, 40 रुपए लगा देगा, वाह भी वाह, 40 लगा देगा भाई। कैमरे को देख और रेट कम हो रहे हैं भाई आज तो माशाल्लाह से, ठीक है। 50 रुपए किलो बताया, अभी 40 रुपए किलो कर दिया, 40 रुपए किलो हो गया गाजर भी, 40 रुपए किलो। फूल गोभी महंगी है यार, फूल गोभी यार इतना महंगा, गोभी भाई 180 रुपए किलो, फाइनल 180 रुपए किलो लग जाएगी। 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो गोभी चल रही है, लेकिन फाइनल 180 रुपए किलो लग जाएगी। अच्छा, बंद गोभी के रेट मैं आपको बता दूं, बंद गोभी जो है 80 रुपए किलो। और मटर भी अच्छी वाली पड़ी है भाई के पास, मटर मैं आपको दिखा दूँ, मटर जो है ना 140 रुपए किलो बता रहे हैं, भरा हुआ मटर है बिल्कुल, ये भी मटर है, सही है। आज का रेट ये 140 रुपए किलो, मंडी रोजाना डेली अपडेट होती रहती है, रोजाना रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। खीरा भी आज 50-40 रुपए किलो तक मिल जाएगा, 50 का बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगे तो मतलब 20-25 किलो खीरा तो ला लोगे तो आपको 40 रुपए किलो तक भी खीरा मिल जाएगा, ठीक है। ये बंद गोभी का रेट मैंने बता दिया आपको, 80 रुपए किलो। फूल गोभी 180 रुपए किलो है, फूल गोभी महंगी है भाई। और आगे चल के देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें और सस्ती हुई हैं और कौन सी महंगी हुई हैं, वीडियो एंड तक देखना है आप लोगों ने। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें भाई, लाइक कर दिया करें। कैसे दे रहे हैं धनिया? धनिया 3 रुपये गड्ढी, 100 रुपये 40। और ये पुदीना वो भी 3 रुपए, 3 रुपए गड्डी भाई। धनिया भी 3 रुपए गड्डी है, पुदीना भी 3-3 रुपए की गड्डी दे रहे हैं भाई। धनिया मैं आपको दिखा दो, धनिया भी, ये भी ताज़ा धनिया है, ताज़ा फ्रेश, 3 रुपए की गड्डी। धनिया पुदीना सिर्फ 3-3 रुपए की गड्डी के हिसाब से दे रहे हैं, धनिया भी और पुदीना भी। ये देखें, पुदीना भी 3 रुपए की गड्डी और धनिया भी 3 रुपए की गड्डी के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप बाहर लेने जाओगे आपको ये 10 रुपए की, 15 रुपए की गड्डी मिलती है, ठीक है। और मूली जो है ना, मूली 30 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी। सेठ, ये पालक कौन से वाली है, सिंधी है दूसरी है? हैदराबादी पालक। क्या हिसाब दे रहा हूँ? 30 रुपए किलो हैदराबादी पालक भाई, 30 रुपए किलो। देखो भाई बना के सर लगा के सर सेटिंग से 30 रुपए किलो के हिसाब से पालक 30 रुपए। और मूली 25 की हो जाएगी, 20-25 रुपए किलो भाई, 20 रुपए किलो तक भी मिल जाएगी आपको मूली। ज्यादा लोगे तो वैसे 30 रुपए बताए, वैसे मतलब ये है कि अगर ज्यादा लोगे 20-25 रुपए किलो तक मिल जाएगी। दो रेट इसलिए बताते हैं कि एक बंडल लेने वाले लोगों को थोड़ी सी महंगी मिलती है, 20-25-30 किलो लेने वालों को थोड़ी सी सस्ती चीज़ मिल जाती है, कोई चीज़ भी हो मंडी के अंदर। तो ये असूल है, ज़्यादा चीज़ लोगे तो आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, जितना ज़्यादा माल लोगे उतना ज़्यादा सस्ता मिलता है भाई। अभी 8:30 बज चुके हैं, देखो कराची सब्जी मंडी में कितना रश हो चुका है। ये देखो इतना ज़्यादा पुदीना माशाल्लाह एक बंदे ने ले लिया, कितना सारा देखा। जितना चीज़ ज़्यादा लोग है उतना चीज़ आपको सस्ती मिलेगी, ये उसूल होता है कराची सब्जी मंडी हो या कोई भी मंडी हो, मतलब ये कि ज़्यादा चीज़ें लोगे तो आपको सस्ती चीज़ मिल जाएगी। और आगे चल के देखते हैं सब्जी कौन कौन सी सस्ती है। प्याज के ऊपर पता नहीं क्या आफत आई है यार, प्याज महंगी हो चुकी है। प्याज जो है ना कराची सब्जी मंडी के अंदर 180 रुपए किलो के हिसाब से प्याज, 180 रुपए। और जो हल्की वाली प्याज है, ये वाली प्याज कैसे दे रहा है?
प्याज देखें आप, प्याज इतना महंगा है भाई, 180 रुपए किलो, और छोटा वाला प्याज है बेकार प्याज, 160 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। और आलू भी महंगा हो चुका है, व्हाइट वाला आलू जो है ना 45 रुपए किलो, और लाल वाला आलू जो है ना 60 रुपए किलो। व्हाइट वाला आलू 45 रुपए किलो से कम नहीं है मंडी के अंदर, खुला आलू 45, कोई कोई दे रहा है 40 रुपए, नहीं तो 45 से कम नहीं है। आलू मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये माशा करो के रेट बता रहा हूँ, ठीक है। आरती के पास तो जाओगे, थोड़ा ज़्यादा माल लोगे तो थोड़ा और सस्ता मिल जाएगा। प्याज जो है ना अच्छी वाली प्याज 200 रुपए किलो भी कोई किसी ने बताई यार प्याज, लेकिन जो है ना हल्की वाली प्याज जो है ना 160 170 रुपए किलो, 160 रुपए 170 रुपए किलो मिल जाएगी। और बताया एक बंदे ने मुझे कि एक्सपोर्ट हो रही है प्याज, बाहर जा रही है, इस वजह से प्याज महंगी है, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट होना फिर बंद हो जाएगी तो फिर थोड़ा माल सस्ता हो जाएगा। और आगे चल के देखते हैं टमाटर वगैरह कितना सस्ता है, मिर्ची वगैरह का रेट भी मैं आपको बताता हूँ। मलिर वाली मिर्ची होगी, मोटी वाली हो गई भाई, मिर्ची के रेट भी ऊपर हो चुके हैं। मोजेस खवातीन हजरात, ये वाली मिर्ची 180 रुपए किलो है, जो काली वाली मिर्ची है, ठीक है, ये आपको 180 रुपए किलो मिल जाएगी। मोटी वाली मिर्ची जो है ना वो 200 रुपए किलो है मिर्ची, मोटी वाली भी सही है, अच्छी वाली मिर्ची, हरी हरी मिर्ची है, लेकिन 200 रुपए किलो। ये वाली 180 रुपए किलो हाईब्रिड जो है ना, हाईब्रिड 220-200 रुपए किलो मिर्ची महंगी हो चुकी है भाई। जर्मन 220, जर्मन 220 रुपए किलो भाई, जर्मन मिर्ची पकौड़े वाली 220 रुपए किलो। रमजान आने से पहले ही अभी से मिर्ची महंगी हो गई है भाई, 220 रुपए, 200 से कम नहीं है मिर्ची। हाईब्रिड मिर्ची 220 रुपए, 230 रुपए किलो, मोटी वाली मिर्ची भी 220 200 रुपए किलो, और मलिर वाली मिर्ची जो है ना काली वाली वो 180 रुपए किलो सिर्फ, ठीक है। ये है मिर्ची 160 रुपए किलो भाई, हरी प्याज जो है ना 160 रुपए किलो आज मंडी के अंदर। मूली 30 रुपए किलो बताई थी मैंने आपको, और धनिया पुदीना 3 रुपए कटिए। हरा प्याज 160 रुपए किलो, और जो पालक जो है ना अभी से 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो हो चुकी है। अभी रमजान नहीं आया, रमजान से पहले ही जो है ना तैयारी पकड़ ली इन लोगों ने, तैयारी पकड़ ली बाबा। आगे चल के देखते हैं और कौन सी चीजें सस्ती हुई हम। 90 रुपए किलो है, 90 रुपए किलो टमाटर, 90 रुपए किलो भाई मंडी के अंदर, 90 रुपए किलो टमाटर, 90 रुपए किलो। कल मैंने पीर बाजार में टमाटर 100 रुपए का डेढ़ किलो बेच दिया, कसम से 100 रुपए का डेढ़ किलो बेचा टमाटर, सही है। सुबह बंगलों में बेच रहा था 150 का 2 किलो, 80 रुपए किलो, और जो है ना बाद में मैंने जो पीर बाजार में रात को जब जो है, ये पेटी कितने का दे रहे, पेटी कितने दे रहे मामा, 1300 रुपए का, 1300 रुपए का पेटी, इसमें 13 किलो वजन है, 15-16 किलो टमाटर होता है पक्का, 15 किलो टमाटर है भाई, 15 किलो टमाटर और 1300 रुपए की पेटी है, 1300 रुपए की पेटी हो चुकी है भाई कराची सब्जी मंडी में आज के रेट है जो। और टमाटर मैंने कल वहाँ, आज भी इंशाल्लाह मैं 80 रुपए किलो बेचूंगा, 150 का 2 किलो, आज भी मेरे पास टमाटर काफी पड़ा है। आज मंडी के मैं आपको रेट दिखा रहा हूँ, ये देखो 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो मंडी के अंदर बिक रहा है भाई टमाटर, खुला टमाटर कराची वालों, हम लोग वहाँ पर बेच रहे हैं 150 का 2 किलो टमाटर, कितना फायदा कर रहे हैं आवाम के। ये देखो 1300 रुपए की पेटी है, ये 1300 रुपए की पेटी, ज़्यादा से ज़्यादा 1200 रुपए की दे देंगे, इसमें टमाटर 14 किलो होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, 14 किलो टमाटर होता है। और वैसे खुद बताते हैं वो 18 किलो 17 किलो, भाई 16 किलो तो पेटी के साथ है, तो 80-90 रुपए किलो यहाँ पर बेच रहे। कुछ गुंजाइश क्या हो जाएगी मामा, आखिरी क्या किलो लगाओगे ये फाइनल, कितना चाहिए 10 किलो कितना हो जाएगा, 85 रुपए किलो लगेगा आखिरी, हाँ आखिरी 85 रुपए किलो लगेगा भाई, 5 रुपए डिस्काउंट कर दिया भाई ने, 85 रुपए किलो लग जाएगा भाई टमाटर आखिरी, 10 किलो लोगे तो 85 के हिसाब से मिल जाएगा। आपको टमाटर चाहिए मुझसे, मैं आपको 75 रुपए किलो दे दूंगा वहाँ पर, ठीक है। हलवे वाली गाजर है भाई, ये वाली गाजर आपको 40 रुपए किलो भी मिल जाएगी, हलवे वाली गाजर, ये है कराची सब्जी मंडी भाई। और हम लोग वहाँ पे टमाटर 150 का 2 किलो मैं बेच रहा था, वहाँ लोग जो है ना एतराज कर रहे थे, बोल रहे थे कि महंगा हो गया, अरे भाई क्या महंगा हो गया, पीर बाजार में रात को खैर मैंने 100 रुपए का 1.5 किलो बेच दिया था, 100 का 1.5 किलो वनछू हो गया था, 150 किलो टमाटर माशाल्लाह मैंने ख़त्म कर दिया था 7-8 बजे के दरमियान तकरीबन। करेला भाई, करेला मैं आपको दिखा दूँ, करेला भी मंडी के अंदर आ चुका है भाई, करेला भाई 200 रुपए किलो बता रहे हैं मंडी में, करेला 200 रुपए किलो, सिर्फ 200 रुपए किलो है, महंगा नहीं है ज़्यादा भाई, 200 रुपए किलो। लौकी जो है ना 100 रुपए किलो है, लौकी 100 रुपए किलो है, और मटर जो है ना 150 रुपए किलो है इनके पास, खीरा जो है इनके पास 50 रुपए किलो है, ज़्यादा महंगा माल नहीं है भाई, माल सस्ता हो चुका है। और बंद गोभी 80 रुपए किलो है, बंद गोभी 80 रुपए किलो है, और मटर क्या किलो लगाओगे फाइनल, मटर 120 का, 120 का लगा दूंगा ये वाला, 120 रुपए किलो। और ककड़ी, ककड़ी 60 रुपए किलो, ककड़ी 60 रुपए किलो, ककड़ी 60 रुपए किलो जनाब,
और मटर जो है ना इनके पास 120 रुपए किलो, बंद गोभी 80 रुपए किलो। ये है कराची सब्जी मंडी के रेट आज के भाई। 180 रुपए किलो, 180 रुपए किलो छोला भाई, भरा हुआ छोला है, छोला भरा हुआ है, खाली नहीं है इसमें। चना 180 रुपए किलो भाई, चना 180 रुपए। गाजर किधर है वाले? 50 रुपए किलो गाजर, 50 रुपए किलो है भाई। रेट दोबारा मैं इसलिए पूछता हूँ कि आप लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा भाई। हाँ जी, ओ जी, भिंडी सस्ती हो गई है भाई कराची सब्जी मंडी में, सिर्फ 300 रुपए किलो हो गई है भिंडी, बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है भाई भिंडी तो। बाकी भिंडी ऐसा लगता है जैसे सीजन की भिंडी आ गई हो। 300 रुपए किलो भिंडी, सिर्फ 300 रुपए किलो। करेला 200 रुपए किलो है, ये 100 रुपए किलो है। मारू को 50 रुपए किलो है, लौकी 100 रुपए किलो है, लौकी सिर्फ 100 रुपए किलो है। ये वाली लंबी वाली लौकी जो है ना आपको सस्ती मिल जाएगी 130 रुपए किलो के हिसाब से, बहुत ही सस्ता माल हो चुका है कराची सब्जी मंडी के अंदर बाबा। ये देखो 130 रुपए किलो है लौकी। काफ़ी यूट्यूबर आते हैं ना अपनी तरफ से बनाने लग जाते हैं, 50 रुपए किलो लौकी है, 40 रुपए किलो लौकी है, बड़े मजे से वीडियो देखते हैं उनके। अच्छा ये वाली जो है ना तुरई, तुरई क्या था सेठ? 50 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो तुरई सिर्फ सस्ती है, तुरई 50 रुपए किलो है, सही है। और लौकी महंगी है, तुरई इन्होंने 50 रुपए किलो बताई। और ये है कराची सब्जी मंडी के हालात भाई, और आगे चल के देखते हैं और क्या सूरत हाल है। और टमाटर और किसी से भी मैं पूछता हूँ, खीरा भाई आज ऐलान लेने का इरादा है, खीरा 20-25-30 किलो खीरा भी ले जाऊँगा। टमाटर मेरे पास पड़ा हुआ है, टमाटर अभी भी मेरे पास 150 किलो टमाटर पड़ा हुआ है, सही है। वहाँ 150 का 2 किलो भेज दूँगा अपने एरिया में। जिसको भी टमाटर चाहिए दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, खालिद सब्जी वाले को, उस चैनल पर मैं रेट भी डालता हूँ, कल मैंने क्या किलो टमाटर बेचा है सारी तफसील आपको उस चैनल पर मिल जाएगी, सही है। उस चैनल का लिंक मैंने जो है ना पेस्ट कर दिया है कमेंट बॉक्स में आ गया, उसको भी सब्सक्राइब कर दो आप लोग। तो कमेंट्स लास्ट में क्या करो आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। 1200 रुपये का बाबा ये टमाटर है, वी आई पी टमाटर, कच्चा पक्के सही है टमाटर। 1200 रुपये का टमाटर है, 14 किलो टमाटर है इसमें, 14-15 किलो ना, 14 किलो टमाटर निकलेगा 1200 रुपये का। देख लें टमाटर 80-90 रुपये किलो टमाटर मंडी के अंदर पड़ रहा है, आप लोग कहते हो कि टमाटर बड़ा सस्ता हो चुका है। हम लोग वहाँ पर 150 का 2 किलो बेच रहे थे, कल भी बेच रहे तो और आज भी बेचेंगे। अच्छा अदरक लहसुन के रेट मैंने नहीं लिया, अदरक लहसुन के मैं रेट लेता हूँ फिर वीडियो एंड करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हल्दी के प्राइस में शेयर कर दूँ व्यूवर्स आपसे, हल्दी जो है ना एक मेरे सब्सक्राइबर हैं वो पूछते रहते हैं, हल्दी जो है ना 180 रुपये किलो मंडी के अंदर हो चुकी है, 180 रुपये किलो के हिसाब से। ये अदरक, अदरक कैसे दे रहा है? 400। अदरक 400 रुपये किलो, अदरक 400 रुपये किलो है। और हल्दी जो है ना हल्दी 180 रुपये किलो। चाइना मोटा वाला लहसुन सर ये भी 400 रुपये किलो है, मोटा वाला लहसुन भी 400 रुपये किलो है। और ये देसी, ये देसी जो है ना नया वाला देसी आया है, ठीक है। और जो गीला होता है ना, ये नया नया आता है ना थोड़ा गीला होता है, जो पुराना वाला था वो महंगा है। ये वाला 380 रुपए किलो, चाइना लहसुन जो है ना वो 400 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो, लीमू जो है ना अच्छा वाला लीमू 160-170 रुपए किलो है, लीमू जमेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लीमू जो है ना 170-180 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगा आपको। और भी आगे चल के देखता हूँ, और कोई चीज़ अगर मुझे नज़र आती है तो कवर करता हूँ, नहीं तो फिर वीडियो मैं एंड करता हूँ। और कौन सी चीज़ें रहेगी यार मुझसे, कौन सी चीज़ें छूट जाती हैं वो जो ना कमेंट्स करके आप लोग बताया करें, मुझे याद दिला करें दिया करें। टमाटर जो है ना टमाटर पे ज़्यादा फोकस मेरा इसलिए कि टमाटर यार मंडी में इतना क्यों महंगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा सही है, खैर है व्यूअर्स, अगर मैं ऐसे पूरा दिन घूमता रहूँ ना, मंडी बहुत बड़ी है कराची सब्जी मंडी की, माशाल्लाह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, तो सारा दिन भी घूमता रहूँ ना मंडी ख़त्म नहीं होगी, इतनी माशाल्लाह बहुत बड़ी मंडी है, ठीक है। तो मुख्तसर से मैं वीडियो बनाता हूँ, 10-12 मिनट की जो वीडियो बनाता हूँ ना, इसको बनाने के लिए भी तकरीबन आधा घंटा एक घंटा लग जाता है, ठीक है। तो मंडी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, और आप लोग आएँ जहाँ से आपको माल सस्ता मिले वहाँ से ले लें। काफ़ी लोग जो मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं, खालिद भाई आप माल कहाँ से लेते हैं, मुझे जहाँ से सस्ता मिल जाता है मैं वहीं से माल ले लेता हूँ भाई, मुझे जहाँ से भी सस्ता मिलता है। यहाँ पर मंडी वाले कोई भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, ये यहाँ पर असूल है भाई, आपको जहाँ से सस्ता मिलता है माल वहाँ से ले लें, आप परचेज कर लें, ठीक है। ये किसी के भी नहीं होते, तो बस इनको जैसे माल आगे से मिलता है ना, मतलब ये भी वैसे सेल करते हैं ना, हर किसी को अलग अलग रेट पे माल मिल रहा होता है। भाई से अदरक लहसुन के रेट लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम खालिद भाई, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। लहसुन अदरक के रेट बताओ यार। अदरक 420 है, 450 रुपए किलो है। ये 420 वाली है, 450 वो वाला 350। अच्छा ये हल्दी, हल्दी 160 रुपए किलो। छिला वाला लहसुन, छिला वाला लहसुन तुम्हारे लिए 850 रुपए किलो, आज ही महंगा हुआ है। अच्छा, और वो चाइना लहसुन मोटा वाला 480 का है, 70 का लगेगा।
470 रुपए किलो। देसी देसी नहीं है? देसी है 450। देसी 450 रुपए किलो। नया वाला है देसी? पुराना खत्म हो चुका है। अच्छा ये नींबू मोटा वाला? ये 360 का है, 350 का डालेंगे। और जमेरी? जमेरी 250 रुपए किलो। जमेरी 250 रुपए किलो। रमजान आने से पहले मतलब तैयारी पकड़ ली है? पूरा पूरा हाल ये ऊपर हो गया भाई। रमजान से पहले भी देख ले आप, ये जो है ना 250 रुपए किलो नींबू हो चुके हैं। 250 रुपए किलो, 170-180 रुपए बताया, लेकिन वो थोड़ा छोटा था, ये बड़ा नींबू सही है। ये 250 रुपए किलो। और जो ना ये अदरक है भाई, ये चाइना अदरक है, वीआईपी अदरक। माल माशाल्लाह भाई के पास साफ सुथरा माल होता है, वीआईपी जबरदस्त किस्म का। और हल्दी भी 160 रुपए किलो बताइए, 160 रुपए किलो हल्दी, 160 रुपए। अच्छा ये छिले वाला सर में दो किस्म का रखा हुआ है? हाँ, एक चाइना एक देसी है। और चाइना देसी का अलग अलग रेट? जी जी, चाइना वाला 600 रुपए किलो, देसी वाला 850 रुपए किलो। देसी वाला 850। ठीक हो भाई, मेहरबानी जनाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो और आगे चल के देखते हैं, ये रेट हाई फाई रेट चल रहे हैं अभी से ही, रमजान आने से पहले पहले जो है ना, मतलब ये है कि माल देखो शॉर्ट होने लग गया भाई अभी से ही। इसीलिए तो कह रहा था मैं, मेरा साथ दें आप लोग जो है ना, मैं सस्ता सब्जी बाजार जो लगाना चाह रहा हूँ ना यार, उसमें मुझे साथ चाहिए लोगों का, अकेले बंदे का काम नहीं है। जैसे JTC फाउंडेशन वाले काम कर रहे हैं, सिलानी वाले और दूसरे भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी वैसे ही काम करना चाह रहे हैं, आवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं भाई लोग। तो आप लोग, आप लोगों से पहले भी गुजारिश की थी, आज दोबारा मैं बोल रहा हूँ, नंबर भी मेरा आ जाएगा स्क्रीन पे सामने, ठीक है? तो कहीं ना कहीं पे नंबर भी मैं डाल दूंगा, आप लोग जो है ना आगे बढ़ें, इस काम में मेरा साथ दें। मंडी के रेट पे माल लेके बेचेंगे तो उसमें नुकसान होता है, जो बीच में थोड़ा लॉस होता है ना, जो बंदों को किराया दिहाड़ी वगैरह देनी होती है, थैली का खर्चा किराया ये वो सारा कुछ निकालना पड़ता है ना, तो कमाएंगे नहीं उसमें, मंडी के रेट पे माल बेचेंगे, ठीक है? जैसे मंडी से लेके जाएंगे उसी रेट पे माल सेल करना है, तो उसमें थोड़ा सा नुकसान तो होता है। बाकी जो सारे मैंने रेट जो है ना कवर कर लिए तकरीबन, अदरक लहसुन के हर चीज़ के रेट आ गए, ठीक है? क्या ले ठीक ठाक मतलब। तो टमाटर के रेट भी मैंने आपको बता दिए, करेले वरेले के हर चीज़ के, बंद गोभी के, फूल गोभी के, टिंडे के, हर चीज़ के रेट बता दिए। और आगे चल के देखते हैं और कुछ चीज़ मुझे नज़र आएगी तो ठीक है, वीडियो नहीं तो एंड कर रहा हूँ बस यहीं पे मैं, ठीक है? वीडियो फिर अभी यहीं पे तकरीबन ख़त्म करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, फिर आप लोग भी बोर होने लग जाते हैं। 15.5 किलो टमाटर है, यानी कि इसमें 15 किलो टमाटर लगाओ, 15 किलो टमाटर है भाई, 14 कितने का फाइनल? फाइनल कितने का दे रहे मामा? 1300 रुपए का, 1300 रुपए का भाई, 15 किलो टमाटर 1300 रुपए का दे रहे हैं। ये टमाटर सही है, टमाटर वीआईपी नजर आ रहा है, लेकिन पैसे भी वीआईपी हैं, 1300 रुपए का है। और 15 किलो टोकरी के साथ 15.5 किलो है, टोकरी के साथ 15.5 किलो। और ये पड़ गया, ये भी क्या किलो पड़ गया, आप हिसाब लगा लो, 1300 रुपए का है ना, 15 किलो 1300 रुपए का। और ये वाला 1200 रुपए का दे रहे हैं, पेटी वाला जो है ना 1200 रुपए का दे रहे हैं, ये 1200 रुपए का है। मैं इसलिए बार बार रेट पूछ रहा हूँ टमाटर के, जो है ना फिर मुझे लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं, खालिद भैया आप टमाटर महंगा बेच रहे हैं। भाई महंगा नहीं बेच रहे हम, 150 का 2 किलो टमाटर बेच रहे हैं वहाँ पर, 150 का 2 किलो। आज भी इंशाल्लाह मैं बेचूंगा 80 रुपए किलो, 150 का 2 किलो। बस इसके साथ ही भाई खालिद हुसैन को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, कोई चीज़ रह गया हो तो कमेंट्स करके मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग आगे बढ़ें, मेरा साथ दें, सस्ता सब्जी बाजार लगाने जा रहा हूँ, और सस्ता सब्जी बाजार के साथ साथ जो है ना फ्रूट भी बेचेंगे इंशाल्लाह, सस्ते मंडी के रेट पे रेट टू रेट माल बेचेंगे, उसमें थोड़ा सा मुझे साथ चाहिए, कोऑपरेट करने के लिए बंदा कोई आ गया है, तो मैं मज़ीद काम को बढ़ाऊंगा। काम तो कर दिया मैंने शुरू अल्लाह का नाम लेके, फ्रूट भी बेच रहा हूँ, खरबूजा भी 150 का 2 किलो बेच रहे थे कल, और टमाटर भी कल भी बेचा है 150 का 2 किलो, और आज भी बेचेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इसके साथ मुझे दीजिए ज़्यादा दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।